हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ इंग्लिश फ्रीक्वेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोगों का कोड क्या है। आप लोग कोड अपना मैच कर लेना है यहाँ से 6203192, ये आप लोगों का सब्जेक्ट कोड होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं लेके आ चुका हूँ टॉप मोस्ट 19 क्वेश्चन। देख सकते हो यहाँ पे आप लोग टॉप मोस्ट 19 क्वेश्चन है, और आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ पे बस एक क्लिक करना होगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे से जाके आप लोग अपना क्लिक कर लेना, और फिर आप लोगों को रिडायरेक्ट हो जाओगे, और फिर आप लोग यहाँ पे मैसेज करके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो, आंसर पीडीएफ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड चिल्ड्रन इन डीलिंग विद पीयर प्रेशर, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का, डिजायर फॉर फ्रेंड एंड अटेंशन लीड टू इंक्रीज इन पीयर प्रेशर, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू फेस प्रेशर फ्रॉम और ड्यू टू पीयर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, फिर टीनेजर और फिर पीयर प्रेशर। ये आप लोगों के पीर प्रेशर के ऊपर पांच या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओके। उसके बाद आप लोग देख सकते हो सिक्स्थ क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा है, आप लोगों से पूछ रखा है एक्साइटेड, मतलब अपने फ्रेंड से एक्साइटेड में बात करना, और फिर उसमें से डायलॉग आप और आपके अपने फ्रेंड के डायलॉग इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में बताने हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, डिबेट है आप लोगों का, इस टॉपिक पे आप लोगों को डिबेट लिखनी है, तीन टॉपिक पे तीन कंडीशन दे रखे हैं, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में आप लोगों को एक स्पोर्ट पर्सन है और फिर न्यू मेंबर ऑफ टीम कोच इंजरिंग द गाइडिंग फॉर एक्सेल इन द स्पोर्ट, मतलब कि एक स्पोर्ट पर्सन है और फिर उसे एक लेटर लिखना है न्यू मेंबर को टीम कोचिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन में दो पार्ट है, ए पार्ट, ओके, उसके बाद बी पार्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमेजिनेशन, ब्राइटनेस, स्टोन, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट है आप लोगों का डेवलपमेंट द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड अबव इनटू अ पैराग्राफ, प्रॉपर पैराग्राफ, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन में भी आप लोगों को दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का क्या पूछ रखा है, मिस अंडरस्टैंडिंग आर्गुमेंट विद योर फ्रेंड, मतलब कि मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, और फिर अपने फ्रेंड के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है, उस टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखना है आप लोगों को, 12 में डायलॉग्स लिखना है, मदर ऑफ टू कॉलेज गोइंग फ्रेंड अबाउट यंगस्टर आर डीलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जामिनेशन, मतलब कि दो मदर के बीच में बातचीत हो रही है, कॉलेज के फ्रेंड, मतलब दो कॉलेज के फ्रेंड है और उनके मदर के बीच में बात हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस और एग्जामिनेशन के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप लोगों के पास दो पार्ट है देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक में ड्राफ्ट लिखना है और दूसरे में भी आप लोगों को ड्राफ्ट ही लिखना है, ओके। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करना है और दूसरे में आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क करना है, इस पंक्चुएशन में आप लोगों का क्या आएगा वो आप लोगों को मेंशन करना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 में टॉक्सिक गैसेस पॉल्यूटेड द इंडोर एनवायरनमेंट, इसके ऊपर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अंडरस्टैंड अबाउट ETS और ये कैसे हार्मफुल है इसके ऊपर लिखना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कॉजेज ऑफ इंडोर पॉल्यूशन उसके ऊपर लिखना है। उसके बाद कैट इम्पैक्ट एलर्जी एंड अस्थमा उसके ऊपर लिखना है, अस्थमा और अस्थमा पे कैसे इम्पैक्ट करता है कैट्स, ओके। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उस वर्ड्स को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये आप लोगों के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, जो कि मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा और इस पेज पे भी लिंक मैंने दे रखा है,
यहाँ से आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ। थैंक यू।